जानिए हर सच की कहानी दिलेश ठक्कर की जुबान आपके अपने नेशनल न्यूज इंडिया पर। आज हम देख रहे हैं कि 11 साल के बाद भी आज यहाँ पर इतनी भीड़ है, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा आश्चर्य है, बहुत बड़ा चमत्कार है। लोग बोलते हैं बापूजी चमत्कार नहीं करते, तो ये कितना बड़ा चमत्कार तो आज यहाँ पर दिखा रहे हैं। बापूजी जोधपुर की जेल में है, उसके बाद भी आज गुरु पूनम के निमित्त बड़ी भारी संख्या में लोग आए हैं। बापूजी केवल जोधपुर की जेल में बंद नहीं हैं, साधकों के हृदय में भी बंद हैं। तो बापूजी जब साधकों के हृदय में, तो उन साधकों का मन गुरु पूनम पे यहाँ आए बिना कैसे मानेगा। तो आज हम देख रहे हैं कि 11 साल के बाद भी आज यहाँ पर इतनी भीड़ है, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा आश्चर्य है, बहुत बड़ा चमत्कार है। लोग बोलते हैं बापूजी चमत्कार नहीं करते, तो ये कितना बड़ा चमत्कार तो आज यहाँ पर दिखा रहे हैं कि इतना होने के बाद भी आश्रम में भीड़ कम नहीं हो रही, संख्या कम नहीं हो रही है, साधकों की श्रद्धा कम नहीं हो रही है। आज गुरु पूनम के दिन यहाँ पर आते हैं, सुबह 4 बजे से लाइन चालू है और अभी भी फुल आश्रम में भीड़ लगी पड़ी है। हर परिसर में जहाँ आप जाओगे वहाँ पे फुल भीड़ लगी पड़ी है, पैर रखने की जगह नहीं है। बरदादा पे परिक्रमा करने का समय नहीं मिल रहा है, एक दो परिक्रमा करके उनको साइड में किया जा रहा है, दूसरों को आगे लाया जा रहा है। तो इससे बड़ा और आश्चर्य और चमत्कार क्या देखें कि आज 11 सालों के बाद भी इतनी श्रद्धा, इतनी निष्ठा, क्योंकि साधक जानते हैं कि हमारे बापूजी निर्दोष थे, निर्दोष हैं और निर्दोष जल्द बाहर आके भारत को विश्व गुरु पद पर आसीन करेंगे। ये साधकों की श्रद्धा है। और आज ऋषि प्रसाद की जयंती भी है और उसकी भी कीर्तन यात्रा साधकों ने निकाली है, तो ये हम अपने आँखों से देख सकते हैं कि आज कितनी संख्या आश्रम में है। महेश भाई, क्या कारण है कि लोग टूट नहीं रहे हैं, जुड़ते जा रहे हैं नए नए लोग? देखो, जुड़ते जा रहे हैं क्योंकि लोगों को आज भी यहाँ पर वो मिल रहा है जो संसार में कहीं नहीं मिल रहा है। आज भी बरदादा की परिक्रमा करने से लोगों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। घर में बापूजी के श्री चित्र के आगे बैठते हैं, कुछ प्रार्थना करते हैं, कुछ मन्नत मानते हैं, तो वो उनकी आशाएं पूरी हो जाती हैं। तो आज भी वो शक्ति काम कर रही है। शक्ति जेल की मोहताज नहीं है, शरीर भले जेल में बैठा है लेकिन शक्ति तो व्यापक है, सर्वत्र है, सब में समाई हुई है। तो वो शक्ति अपना काम कर रही है और आज वो शक्ति का ही हमको यहाँ पर उदाहरण देखने को मिल रहा है। तो महेश भाई, उन लोगों के मुंह पे करारा तमाचा है जिन्होंने रात दिन बापूजी के लिए अनर्गल दिखाया। तमाचा तो पिछले 11 सालों से लोग लगाते आ रहे हैं और हर बार ज्यादा से ज्यादा लगाते आ रहे हैं, लेकिन अंधे बहरे गूंगे लोगों को दिखाई नहीं देता। जैसे उल्लू को सूर्य का प्रकाश नहीं दिखाई देता, ऐसे निंदकों को भी बापूजी की और संतों की महिमा दिखाई नहीं देती। तो आप कह रहे हो कि इतना आरोप लगने के बाद भी इतने हजारों की लाखों की संख्या में भीड़ क्यों है? तो हमें ये कहना चाहता हूँ कि भाई, जो पक्के दारूड़िया की पहचान क्या है? कि जो खूब दारू पीता हो 24 घंटा नहीं, उसके संग में आने से दूसरे लोग भी दारू पीने लग जाते हैं, उसको पक्के दारूड़िया की पहचान की जाती है। और पक्के जुड़ा की पहचान क्या है? तो वही हम कहना चाहते हैं कि जो पूरा जुगाड़ खेलता हो, पूरा अपना घर बार बिक जाए वहाँ तक, तो वो भी पक्का जुआड़ी नहीं है। उसके संग में आने से दूसरे भी जुआड़ी बन जाते हैं, वो पक्के जुआड़ी की पहचान है। उसी तरह एक सच्चे संत की पहचान क्या है? जो उसके संग में आने से उसके रंग में लग जाता है, जो वो कभी मिटता नहीं है, भले सड़ी छूट जाए लेकिन दूसरे जन्म में भी वो रंग नहीं छूटता। वो आप प्रत्यक्ष ये देख रहे हो आज गुरु पूनम के पर्व के दिन, हजारों की संख्या में सुबह 4 बजे से लेके भीड़ अभी भी शुरू है आनी। आप पार्किंग में भी गाड़ी रखने की जगह नहीं है, आप देख सकते हो। तो आप ये जो मिथ्या आरोप लग रहे हैं, फिर भी उसके पीछे ये भीड़ लगी है, उसका ये कारण है कि बापू ने सच्चे मन से
मतलब समाज की, राष्ट्र की, देश की सेवा की है, ये प्रत्यक्ष प्रमाण है। और मैं तो ये भी कहता हूँ कि भाई बापू निर्दोष है, ये आप खुद जजमेंट ले सकते हो। हजारों की संख्या में आज गुरु पूनम 11 साल हो गया, आज 11 साल होने के बाद भी हजारों की संख्या में भीड़ है, सुबह 4 बजे से लेके अभी 12-1 बजने को आया है। वही तो मैं देख रही हूँ, दो दो कोर्ट ने बापूजी को आजीवन कारावास की सजा दे दी है, उसके बाद भी आज भी बापूजी की पूजा कर रहे हैं लोग। तो इससे क्या साबित होता है कि बापू सत्य थे, सत्य है, सत्य ही रहेंगे। ये तो आपको क्या बताऊँ, एक अंतर्राष्ट्रीय संयंत्र के तहत ही गुरुदेव को फंसाया गया है। उसका उद्देश्य ये है, हमारे गुरुदेव टारगेट नहीं है, टारगेट है हमारी सनातन संस्कृति। सनातन संस्कृति को टारगेट किया है, उनके निमित्त बापू जी को अंदर बिठा के रखा है। और हम ये भी साथ में कहना चाहते हैं कि आज तक हमारे भारत देश में हजारों साल मुगलों, अंग्रेजों और ब्रिटिशों ने राज किया, जो हमारे सनातन धर्म को मिटाने की कोशिश की तलवार के जोर पे, वो नहीं मिटा पाए। तो ये आज की जो भी षड्यंत्रकारी है जो हमारी संस्कृति के पीछे पड़े हैं, उसकी तो उसके बाप की भी ताकत नहीं जो हमारे संस्कृति को मिटा सके। जानिए हर सच की कहानी दिनेश ठक्कर की जुबान, आपकी अपनी नेशनल न्यूज़ इंडिया पर।